हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे एक अपडेट मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे रेडमी की तरफ से एक अपडेट है। आपको में रेडमी की तरफ से एक फोर्जी वाला एक स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। रेडमी की तरफ से कहना कि बैक टू बैक स्मार्टफोन वगैरह आते ही रहते हैं। तो आज मैं मतलब यहाँ पे आपको इस वीडियो में आपको रेडमी की तरफ से जो टेक न्यूज है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं हर रोज इसी तरह टेक रिलेटेड न्यूज लेकर आती हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह टेक रिलेटेड अपडेट लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे रेडमी की तरफ से आपका उसमें एक स्मार्टफोन से एक 4G वाला स्मार्टफोन से तो यहाँ पे कुछ अपडेट वगैरह आए हैं कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च करने को जा रहे हैं इंडिया के लिए, और उसका प्रोसेसर क्या है, फीचर्स वगैरह क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। रेडमी का 12C का जो स्मार्टफोन से जल्दी देखने को मिलने वाले, मतलब नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलने वाले, फरवरी के महीने में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली कॉन्फर्म डेट नहीं आया है कि फरवरी के कौन सी तारीख को इंडिया में लॉन्च करने को जा रही है ये 4G वाला स्मार्टफोन से। ये जो स्मार्टफोन से मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया है, मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर है। ऑब्वियसली एक 4G वाला स्मार्टफोन से एक नॉर्मल सी बजट में ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। रेडमी की तरफ से बैक टू बैक स्मार्टफोन वगैरह आते रहते हैं, नॉर्मल सी बजट में आते हैं, मिड बजट में आते हैं और फ्लैगशिप का भी स्मार्टफोन वगैरह आते रहते हैं। ये जो स्मार्टफोन होगा 5000 mAh बैटरी के साथ 10 W का चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाली है। ये जो स्मार्टफोन से प्राइमरी सेंसर में 50 MP के साथ देखने को मिलने वाली है। इसी तरह अपडेट आए पोको C55 जो स्मार्टफोन से रीब्रांड वर्जन जो कि Redmi 12C जो स्मार्टफोन से अपकमिंग रेडमी 12C जो स्मार्टफोन से जल्दी इंडिया के लिए आने वाली है। फरवरी के महीने में देखने को मिलने वाली है। 50 MP के साथ उसका प्राइमरी सेंसर होगा। लेकिन अभी तो ये स्मार्टफोन का रिवील नहीं हुआ है कि कौन सी डेट को फरवरी को कौन सी डेट को इंडिया में लॉन्च करेंगे और उसका कितने वेरिएंट होगा और उसके साथ ही साथ उसका जो सेल्फी वगैरह कितने होने को जा रहे हैं, अभी तक ये अपडेट नहीं आया है। बस एक्सपेक्टेड हो रहा है कि इसी तरह फीचर्स के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो देखेंगे और क्या अपडेट आती रहती है। तो कोई भी अपडेट है मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो चाहते हैं फ्यूचर में इस तरह अपडेट रहने के लिए, नया वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये अपडेट या टेक न्यूज़ कैसी लगी।